रामपुर के मुख्य बाजार में आज सुबह करीब 8 बजे कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें से व्यापारी अंकित बंसल और रोहित बंसल को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 2.5 मंजिला भवन के धरातल में दुकानें थी और पहली मंजिल में व्यापारी की रिहाइश थी। इस घटना पर दुकान और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया है। इसमें 6 लोगों का परिवार रहता है। आगजनी किन कारणों से हुई है उसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, जबकि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन के जवानों ने पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया और साथ लगते लकड़ी से बने घर को बचाया। वहीं प्रशासन की ओर से SDM रामपुर निशांत तोमर व राजस्व विभाग की टीम ने मौके का जायजा लिया और पीड़ित परिवार को राहत राशि दी। और इनके नीचे दुकान है, इसमें आग की सूचना में मिली थी। सूचना मिलते ही यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन और फायर डिपार्टमेंट है और हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची। जो प्रायोरिटी थी कि आग को कंट्रोल किया जाए, वो आग पहले उनको ने कंट्रोल किया और जो भी इसमें सामान जो बचा हुआ था, क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ है, तो उस पर पहले प्रायोरिटी ये थी कि जान माल और जो लोगों का है कोई नुकसान, किसी को नुकसान ना पहुंचे, तो प्रायोरिटी ये थी और इस पर आग पे पा लिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से फौरी तौर पर 25,000 का हमने इनको फौरी तौर प्रोवाइड की है। बाकी आगे के हिसाब से जो राहत हमारा मैनुअल है उसके हिसाब से जितना केस बनेगा सरकार द्वारा जो निर्धारित है, उनको टाइम बाउंड मैनर पे आगे कर दिया जाएगा और इसके लिए हमने अपने राजस्व विभाग की सभी टीम को निर्देश दे दिए हैं और भी जो डिपार्टमेंट है कंसर्न डिपार्टमेंट, इनके द्वारा भी जांच की जाएगी कि क्या इसमें पहलू थे, किस कारण ये आग लगी है, इसमें क्या आगे कार्रवाई बनेगी। तो इसमें भी हमने सभी जो कंसर्न डिपार्टमेंट इसको निषेधाज्ञा यहाँ से जारी कर दी है। थैंक यू। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए रामपुर बुशहर से अतुल कश्यप की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, VIPs और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रनर इन फिनाले, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।